भारतीय सेना ने सिंधु नदी को पार करने और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए पूर्वी लद्दाख में अभ्यास किया। सेना के T-90 और T-72 टैंकों ने अपना दमखम दिखाया। सेना के अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के अभ्यास आकस्मिक परिस्थितियों की तैयारी के लिए किए जाते हैं। भारतीय सेना दुनिया की उन चुनिंदा सेनाओं में से एक है जो 16,000 फीट तक की ऊंचाई पर और बड़ी संख्या में टैंकों का संचालन करती है। आपके सामने जो उपकरण है वो है 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम। ये आधुनिक तोप प्रणाली जो है ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाई गई है और ये यहाँ पे पिछले साल से तैनात है। इस गन के बारे में मैं आपको और विशेषताएं बताता हूँ। 4000 मीटर सी लेवल के ऊपर 48 किलोमीटर तक ये टारगेट को सटीकता से भेदने की क्षमता रखती है। इसको ऑपरेट करने के लिए 8 क्रू मेंबर की ज़रूरत पड़ती है। 6 तरीके का ये एम्यूनिशन फायर कर सकती है और बर्स्ट रेट ऑफ फायर में 3 राउंड या 30 सेकंड में फायर कर सकती है। ये एक आधुनिक गन सिस्टम है जैसा मैंने आपको बताया, और इसलिए इसमें मजल वेलोसिटी रडार, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जिसे जतिव्य नेविगेशन प्रणाली भी कहते हैं, वो सब मौजूद है जिससे ये सेल्फ ओरिएंटेशन और सेल्फ फिक्सेशन कर सकती है। यानी किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से मूव करके बिना किसी सर्वे इक्विपमेंट के वापस इन एक्शन आ सकती है। इसी के साथ साथ इसमें ऑटो लेइंग, लोडिंग और फायरिंग की फैसिलिटी है जिसकी मदद से क्रू का जो फटीग है वो कम हो जाता है और साथ ही साथ रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है। अगर आप देखें तो 15,000 फीट समुद्र से ऊपर -30 डिग्री सेल्सियस में ये गन यहाँ पे बिल्कुल सशस्त्र तैनात खड़ी है। ये जो गन है ये बोफोर्स का एडवांस वर्जन इसे कहा जाता है और इसमें शूट एंड स्कूट ये सारी काबिलियत है। जी हाँ, ये बोफोर्स के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे मेक इन इंडिया स्कीम के तहत भारत ने खुद से बनाई है। ये व्हीकल M4 भारत का बना हुआ है। इस व्हीकल को भारतीय सेना में 2022 में शामिल किया गया। इस व्हीकल में टोटल 10 जवान को के लिए डिजाइन किया गया है। इस व्हीकल में 8 फायर पोर्ट दिए गए हैं जिसके द्वारा जवान अपनी सुरक्षा रखते हुए कारगर फायर कर सकता है। इस व्हीकल के ऊपर ऑटो वेपन के लिए सुविधा दी गई है। ऑटो वेपन को लगा के हम लॉन्ग रेंज तक फायर कर सकते हैं। इस लद्दाख जैसे एरिया में हम इस व्हीकल को 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड में चला सकते हैं। भारतीय सेना ने क्षेत्र में बख्तरबंद ताकत को इस हद तक मजबूत कर दिया है कि वो प्रतिद्वंदी के किसी भी दुस्साहस से निपट सकते हैं। पहले भारतीय सेना पाकिस्तान के मोर्चे पर पंजाब सेक्टर में बड़े पैमाने पर इस तरह के अभ्यास करती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि केवल मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में ही टैंक युद्ध होंगे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और ये तस्वीरें इस बात का सबूत है।